शांति। आज 10 नवंबर 2023 और आज से दीपावली का शुभ पर्व आरंभ हो रहा है। आज सर्वप्रथम धनतेरस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। धनतेरस पर हर कोई अपने घर में लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं और लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी एवं रिद्धि सिद्धि दोनों की भी पूजा करते हैं। भावार्थ यही है कि कई बार देखा गया कि व्यक्ति के जीवन में धन संपदा आ जाती है, परंतु साथ में कई प्रकार के विघ्न भी आते हैं। इसीलिए आज के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होती है, ताकि धन आए, लक्ष्मी जी पधारे, परंतु जीवन में कोई भी प्रकार के विघ्न ना आए, निर्विघ्न जीवन रहे, साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि अर्थात यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि यानी सफलता को प्राप्त करें। इसी भाव से लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का पूजन होता है। तो आइए इस शुभ दीपावली पर हम सभी जीवन के अंदर यही परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ करें कि अपने जीवन में यथार्थ धन संपदा है, ज्ञान धन, गुण धन, शक्तियों का धन, और इस धन का आवाहन करते हुए अपने जीवन को सद्गुणों से सदा निर्विघ्न बनाए, ताकि यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि सफलता को प्राप्त करें। ऐसी धनतेरस की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो, मुबारक हो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य, आज के बाबा की मुरली, विशेष धारणा युक्त मुरली है, जिसमें बाबा ने निर्माणता, सच्चाई, सफाई जीवन के अंदर ले आने की प्रेरणा दी है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार है, बाप उन पर ही राजी होता है। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलान्थ्रोपिस्ट बनते हैं। फिलान्थ्रोपिस्ट का मतलब है दानी बनते हैं। होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। सिर्फ मात पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता कि वो मात पिता कौन है। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर मात पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे,
कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तुम मात पिता हम बालक तेरे कह देते हैं। यथार्थ परिचय न होने कारण हरेक के सामने ये महिमा गाते हैं। बिगर अर्थ, पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए, फिर मात पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है। नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे हैं। बाबा कहे, नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे हैं। समझाने में सहज होता है, बाप का नाम ही है शिव। ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव, दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा न सके। भले शिव नाम तो जरूर रखते हैं मनुष्य अपने ऊपर, लेकिन शिवाय नमः बाबा कहे ये नाम स्वयं पर रखा न सके। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। यह नॉलेज सिखलाने वाला मात पिता ही है। सन्यासियों में तो माता है नहीं, इसीलिए वह राजयोग सिखला न सके। शिवाय नमः तो कोई को भी कह नहीं सकते, देहधारी को शिवाय नमः थोड़ी कहेंगे। ये समझाने का है, परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार है, कहां अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियां मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं, इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना टाइम लगता है। अनेक जन्मों के संस्कार जुट के है, तो इसीलिए बाबा कहे सच होकर रहना, सच बोलना, इसमें टाइम लगता है। देह अभिमान में आने से फिर फैमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती है। अभी ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी हैं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नंबरवार है, सभी नंबरवार है। कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तब रुद्र माला के नजदीक हो और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप के दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। सपूत बच्चे ही बाप के मददगार बन जाते हैं। यह भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है, तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराना है। कोई समझते हैं हमने इंश्योर किया है, बाबा कहे वास्तव में ज्ञान रत्न धारण कर और दूसरों को भी कराना है। कई समझते हमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को इंश्योर कर दिया, उसका तो तुमको मिल जाएगा। यहां तो बहुतों को दान करना है, इंश्योर करना और फिर दान करना। एक तो ईश्वर अर्थ दान करेंगे, दूसरा फिर ज्ञान रत्नों का दान करना है। यहां तो बहुतों को दान करना है बाप माफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का, फिलान्थ्रोपिस्ट बनना है, महादानी बनना है। बाप आते ही है ज्ञान रत्नों से झोली भरने, धन की बात नहीं। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं, व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते। लज्जा आनी चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं हूं। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है
तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है। ऐसे ही थोड़ी भागीदारी मिल जाती है, इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। बाबा कहे, इस धंधे में लग जाओ तो बुद्धि बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला, या तो जानते हो या बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। अच्छा समझो, इसमें शिव बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु यह बाबा भी तो जानता है ना, नहीं तो इतना पद कैसे पाते। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसमें तो शिव बाबा आते हैं, वो मम्मा अलग बोलती है मम्मा की हैसियत में। बाबा कहे, मम्मा अलग बोलती है मम्मा की हैसियत में, उनका नाम बाला करना है, क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना, जैसी है वैसी है मेरी है, संभालना ही है। पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं, स्त्री ऐसे नहीं कहती, जैसे हैं वैसे हैं मेरी है। बाप भी कहते हैं, बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। नाम भी बाला बाप का ही होता है, यहां बाप का नाम तो बाला है ही, फिर शक्तियों का नाम बाला होता है। उनों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है, दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। बाबा कहे, दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, सत्युग त्रेता दिन वहां है सुख, द्वापर कलयुग है रात दुख। सत्युग में भक्ति होती नहीं, इतना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा भी नहीं कर सकते हैं। बाबा कहे, तकदीर में नहीं तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है, मित्र संबंधियों के पास जाकर के समझाओ, अपने घर को उठाओ। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है सतगुरु भी है, बाकी सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं। द्वापर से लेकर भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में है, द्वापर से धीरे धीरे उतरना चालू किया तो दुर्गति तो होने लगी, लेकिन बाबा कहे, भ्रष्टाचारी पापात्माएं कलयुग में है। सत्युग में पापात्मा का नाम नहीं, यहां ही अजामिल गणिकाए अहिल्याए पापात्माएं है। आधा कल स्वर्ग कहा जाता है, फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी है जरूर, सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे, द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए। यह भी तुम अभी जानते हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं, आखिरन समझेंगे जरूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने लिए पॉइंट्स बहुत है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है, कलाएं कम होती है, अभी कोई कला नहीं रही है। झाड़ व गोले में भी दिखाया है, क्या दिखाया, कि कलाएं कैसे कम होती है। मोस्ट इजी है समझाना, मोस्ट इजी माना बहुत सहज है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है
तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते नहीं हैं, पुरानी देह में अटके रहते हैं। बाप कहते हैं, इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहे। मित्र संबंधी टीचर स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे, इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। जो स्टूडेंट्स ऐसे होते तो सब समझ जाएंगे, इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। यहां भी समझते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी बनेंगे, सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं, अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करो, ये कायदा होता है। घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप कहते, धन दिए धन ना खुटे। ये ज्ञान धन ऐसा है जितना देते जाओ बढ़ता जाता है। तो बाप कहते, धन दिए धन ना खुटे। धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है, सेवा करने का चांस बहुत अच्छा मिलता है। रहमदिल बनना है। तुम सन्यासियों साधुओं पर भी रहमदिल बनते हो, कहते हो आकर समझो। तुम अपने पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो, तो बाप भारत को हर कल सदा सुख का वर्षा देते हैं, कोई भी जानते नहीं। कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्ट है तो फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएंगे। आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। बाबा कहे, आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं तो वो वंडर खाएंगे। आगे चल, तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेगी, आखिरन कोई जागेंगे जरूर। सन्यासी लोग भी जागेंगे, जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है। बड़ी इंप्रूवमेंट होती रहेगी, अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए। जो कोई भी आकर पढ़े, जब बम्बोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे। कब जागेंगे? जब बम्बोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा है, पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे। रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं। विन की प्राइज थोड़ों को ही मिलती है, यह तुम्हारी भी गुड़ दौड़ है। रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्ञानी तू आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना, यह ज्ञान और किसको नहीं है, ये ज्ञान और किसको नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, अज्ञान से कौड़ी जैसे बनते हैं। बाप आकर सतो प्रधान प्रालब्ध बनाते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती है। ये सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है, तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहां ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो, तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत में बहुत ही महादानी है। भारत के अंदर दान की प्रक्रिया में बहुत लोगों की भावना होती, मान्यता होती, तो बाबा कहे भारत में बहुत ही महादानी है। बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं, यहां तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हो।
रावण से दुखी हो आकर राम की असलम ली है। तुम सब शोक वाटिका में थे, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति ली है। कोई तो छोटेपन में भी जबरदस्ती आ गए हैं तो उन्हों को यहां शरणागति में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है। उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना, ये शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। ये शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ न सके, तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं। वह तो गुड़ियों का खेल करते हैं, ड्रामा अनुसार इन गीतों की भी मदद मिलनी है। बाप का बनकर और सर्विसेबल न बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना न दुख देते हैं। यहां तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी जाएंगे, बाबा ने कितने समय पहले ही बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना शुरू किया था। मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। पार्ट तो बजाना ही है, इसमें फिक्र की क्या बात है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा को भी ख्यालात आते हैं, लॉ कहता है आएंगे जरूर। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं, परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह न सके। ये नुकसान हुआ, कोई खिटखिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ, यह सब भी कल्प पहले हुआ था। फिक्र की क्या बात, 100% अवस्था अंत में होनी है। बाप के दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे, आप समान बनाएंगे। इंश्योर किया वह बात अलग है, वह तो अपने लिए करते हैं। ये तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्म का बोझा जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। मजा आता है रात को याद करने में, इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितना मीठे हो, बाबा को कैसे याद करना सो भी बाबा सिखाते। बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो, ऐसे रूरिहान बाबा के साथ प्यार से करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है, देह अभिमान के वश स्वयं को मियां मिट्ठू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है,
अवस्था सदा हर्षित रखनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत है, वही विश्व के राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां है, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी संस्कार अपने तरफ खींच तो नहीं लेते हैं? स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। आज का स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा। साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकता। सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।